मेन मार्केट पहलगाम में मौजूद है। अभी नॉमिनेशन फॉर्म भरा है अल्ताफ कलू ने और साथ में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद है। बड़ी हासी तादाद में मेन मार्केट पहलगाम में लोगों का रश आपको दिखाई दे रहा है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के साथ जब रुखसती हुई तो उमर अब्दुल्ला ने भी अल्ताफ कलू का हौसला बढ़ाया और साथ में लोगों का शुक्रिया अदा किया। मेन मार्केट पहलगाम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों ने अल्ताफ कलू के साथ आते हुए यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाने कहूंगा कि आप दिखाइए यहां पर। और ये लोग अभी जो है एसडीएम ऑफिस से जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उसके बाद जो है लोग वापस आ रहे हैं। गाड़ियों का बहुत बड़ी रश है और साथ में बुजुर्ग जवान लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आज नॉमिनेशन फॉर्म भरना था। कहीं ना कहीं हम पहलगाम की सियासत की बात करें तो पहलगाम की सियासत जो है वो हमेशा से सरगर्म रही है। पीडीपी और एनसी का यहाँ पे पहले से मुकाबला होता आ रहा है। 10 साल के बाद अब असेंबली इलेक्शन है और 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से अल्ताफ कलू ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि सियासत कहीं एक तरफ ना हो जाए, लेकिन ये सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कड़ा मुकाबला है। डॉक्टर शबीर सिद्दीकी ने जहाँ पीडीपी में शमूलियत अख्तियार करके पीडीपी ने उन्हें जो है नामजदगी दर्ज करवाने के लिए कहा और इसी के साथ साथ अपनी पार्टी की बात करें तो रफी मीर का भी यहाँ पे अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो पहलगाम पे अच्छी हाजिर पकड़ा है और पहले वो पीडीपी में थे, अब वो अपनी पार्टी में हैं और उन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म भर दिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में गाड़ियां दिखाई दे रही है, एनसी के झंडे दिखाई दे रहे हैं और अल्ताफ कलू के साथ साथ जो एनसी के ये नारों की आवाज आपको दिखाई दे रही होगी, ये लोगों की माफत, लोगों का जोश आपको दिखाई दे रहा होगा और हम यही कहेंगे हम यही कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला भी जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं, लोगों का थैंक्स कहा है और कहा है कि हाँ हमें लीड चाहिए और वो लीड अगर लोगों की तरफ जाए तो कहीं ना कहीं लीड भी दिखाई देगी। लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कड़ा मुकाबला है। आप देखते रहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। साथ है तो तब जाके अगर अल्लाह ने चाहा हम इलेक्शन जीत सकते हैं इंशाल्लाह। एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस? आई लव देम, दैट्स इट।